हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वह अनबॉक्सिंग ब्लॉग है। मैंने अपने वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ज़ियून का गिम्बल मंगाया है और इसी का आज अनबॉक्सिंग करेंगे। तो गाइज़, जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। देखते रहो इस वीडियो को, मैं आगे आपको बताऊँगा कि मैंने यह गिम्बल क्यों मंगाया है, मैंने ज़ियून ब्रांड ही क्यों सेलेक्ट किया है और इससे मेरी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। मैंने कुछ टेस्ट वीडियो भी बनाए हैं आपको दिखाने के लिए, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलो जल्दी से हम इस गिम्बल का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है ज़ियून स्मूथ 4, न्यू बॉक्स पैक है बिल्कुल। तो गाइस, इसको हम अब ओपन करते हैं, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। तो बेसिकली इस बॉक्स के ऊपर आप देखोगे तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर गिम्बल है, एक ट्राईपॉड है और एक यूएसबी डिवाइस है और इसके साथ एक बॉक्स है। तो ज़ियून गिम्बल दो कलर्स में आता है, ब्लैक एंड वाइट। वाइट वाले गिम्बल का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है और ये इसका जेन्यून सील है। दिस इज द सील। दिस इज द मैनुअल। तो गाइज, ये है ज़ियून का बॉक्स, अब इसको खोलते हैं। इस बॉक्स के अंदर है एक ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड की क्वालिटी अच्छी है। एक गिम्बल का चार्जर है, यूएसबी केबल, और ये है ज़ियून का स्मूथ 4। तो गाइज़, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है। ये बना हुआ प्लास्टिक का है बट प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, पकड़ में आ रही है गिम्बल प्रॉपर। तो गाइज, इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर फर्स्ट टाइम आप इस गिम्बल को यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले इसका ट्राईपॉड लगा दो इसके नीचे। और इसको हम ट्राईपॉड के स्टैंड पे सबसे पहले रखते हैं। अब देखोगे इस गिम्बल में बेसिकली 1, 2, 3 थ्री एक्सिस कंट्रोल है। तो यहाँ पे तीन जगह पे मोटर होता है जो कि गिम्बल को कंट्रोल करता है। तो करना क्या है, सबसे पहले मोबाइल को हमें यहाँ, तो गाइस सबसे पहले मोबाइल को इस फ्लिप में ऐसे हमें कनेक्ट कर देना है। हमें ध्यान रखना है कि लास्ट वाला पोर्शन इसमें टच कर जाए। अगर आपका मोबाइल छोटा और यह बड़ा है तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप इस स्क्रू से इसका लेंथ आगे पीछे कर सकते हो। तो मोबाइल इसमें प्रॉपरली लगाने के बाद हमें स्विच ऑन करना है। तो ये इसका पावर ऑफ, पावर का बटन है, तो हमें इसको कुछ देर तक होल्ड करके रखना है। तो अभी ये स्टैंड बाई मोड में है, हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से थोड़ा सा इसको राइट साइड, तो हमें इसको पुश करना है। जैसे ही आप पुश करोगे ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। अब आप देखोगे कि ये फंक्शन कर रहा है। तो गाइज, चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ टेस्ट वीडियोस। मैंने टेस्ट करके देखा इस गिम्बल को कि इससे वीडियो कैसा आता है, तो देखते हैं इसका टेस्ट वीडियो। हेलो गाइज, तो अभी इस ज़ियून गिम्बल को टेस्ट करने के लिए मैं एक पार्क में आया हूँ और इस गिम्बल को अभी टेस्ट करते हैं। तो गाइज, मैं अपने OnePlus 6 फ़ोन को यूज़ करूँगा इस वीडियो टेस्ट के लिए। इसको गिम्बल और विदाउट गिम्बल मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं कि किसकी वीडियो क्वालिटी में स्मूथनेस होता है, ज़ियून के गिम्बल से वीडियो क्वालिटी अच्छी बनती है या फिर विदाउट गिम्बल अच्छी बनती है। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं, लेट्स गो। तो गाइज, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ ज़ियून स्मूथ 4 से।
और इसकी जो वीडियो क्वालिटी आप देख रहे होगे काफ़ी स्मूथनेस है वीडियो क्वालिटी में। और मैं वॉक कर रहा हूँ स्लोली स्लोली। अभी मैं जियून स्मूथ 4 यूज़ कर रहा हूँ वन प्लस 6 के साथ और स्लोली स्लोली वॉक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होगे कि वीडियो की क्वालिटी और स्मूथनेस। तो गाइज़ अभी वन प्लस 6 को मैंने एक स्टैंड में लगा दिया है और विदाउट गिम्बल टेस्ट कर रहा हूँ। क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आया होगा क्योंकि वो स्मूथनेस नहीं मिल रही होगी। अभी भी सेम स्लोली स्लोली मैं वॉक कर रहा हूँ। तो आप बेटर जज कर रहे होगे कि दोनों की क्वालिटी में स्मूथनेस किस में ज़्यादा है। तो गाइस अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट, अभी मैं धीरे धीरे स्लो मोशन में रन कर रहा हूँ, तब देखते हैं वीडियो क्वालिटी इसकी कैसी आ रही है। तो आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा शेकिंग हो रहा होगा वीडियो में। अभी मैं वन प्लस 6 को यूज़ कर रहा हूँ और अभी सेम स्पीड में मैं जियून का गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ, सेम उसी स्पीड में मैं रन कर रहा हूँ। और इसकी क्वालिटी देखो, इसमें थोड़ा भी शेकिंग नहीं होगा, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा बेटर है। आई होप गाइस आपको डिफरेंस पता चल गया होगा इस टेस्ट वीडियोस के थ्रू कि अगर आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो विदाउट गिम्बल और गिम्बल तो कितना इफ़ेक्ट आता है। अभी मैंने इस वीडियो में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी और इसके सॉफ्टवेयर और इसके फंक्शन के बारे में नहीं बताया है। मैं खुद पहले इसको देखूंगा, उसके बाद अगला एक रिव्यू बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल्स प्लस इसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। तो गाइस इस गिम्बल को लेने से पहले मेरे माइंड में भी बहुत सारी क्वेरीज थी। मैंने जियून स्मूथ 4 गिम्बल ही सेलेक्ट किया, इसका बहुत बड़ा रीज़न था। मेरे पास दो ऑप्शन थे इस गिम्बल को लेने से पहले। पहली बात कि मेरे को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी, इसीलिए मैंने मोबाइल का गिम्बल लिया। मेरे पास जो पहला च्वाइस था DJI OSMo और सेकेंड च्वाइस था जियून स्मूथ 4। DJI OSMo का मैंने अमेज़ोन पे बहुत सारा रिव्यू पढ़ा था कि आफ्टर 10-15 डेज यूज़ करने के बाद उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और DJI का कोई यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है। तो अगर आप 10 दिनों में अगर आपकी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तब तो अमेज़न वाले रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन अगर 10 दिनों के बाद कोई इशू होता है तो शायद आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ें नहीं लेते हैं जिसकी कोई वारंटी नहीं हो। तो सबसे पहला रीज़न तो मेरा यही था कि जियून का यहाँ पे सर्विस सेंटर दिल्ली में अवेलेबल है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 1 साल तक मेरे को इसका सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात, जियून स्मूथ लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ है, इसमें बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो DJI OSMo में नहीं है। यस, कहीं ना कहीं DJI OSMo की रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है वो जियून से ज़्यादा बेटर है जैसा मैंने रिव्यू में देखा था, बट हाँ ये दो रीज़न था मेरा जियून स्मूथ 4 लेने का। सेकेंड, मेरे को जो इसकी कॉस्टिंग पड़ी 9400 जो कि मैंने जियून के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, क्या इसको लेने के बाद मेरा वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा? तो आई होप सो गाइस, कि जैसा मैंने देखा टेस्ट वीडियो में आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो डेफिनेटली पहले से मेरा वीडियो जो फर्दर वीडियोज़ आएंगे वो ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो गाइस वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अगर जियून का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप इसको ऑथराइज डीलर से ही लो, अदरवाइज जियून इंडिया आपको इसकी वारंटी नहीं देगा। मैंने खुद जियून के कस्टमर केयर में बात की थी और दे क्लियरली सेड कि आपको ऑथराइज डीलर से ही जियून का प्रोडक्ट लेना है अगर आप वारंटी चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली में लोकल जो ऑथराइज डीलर हैं उनसे लिया है। अगर आपको अपने शहर में चेक करना हो तो आप जियून का जो वेबसाइट है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन से ऑथराइज डीलर हैं इंडिया में। तो फ्रेंड्स, ZY प्ले ऐप का यूज़ करके आप मोशन टाइमलैप्स वीडियो भी बना सकते हो। बहुत सारे फंक्शंस हैं उस एप्लीकेशन में, बाद में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, तो आप वो सैम्पल वीडियो भी आगे देख सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
और अगर आप प्लान कर रहे हो गिम्बल के लिए तो डेफिनेटली यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाता हूँ और वीकली मैं अपना वीडियो पोस्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।